गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करेंगे कक्षा 4। सब्जेक्ट हमारा रहेगा मैथ। एक्सरसाइज हमारी है 6.1। पार्ट हमारा रहेगा सेकंड, क्योंकि हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुई थी, चल रही थी। तो इसमें हम पहला प्रश्न देखेंगे, पहला दूसरा करवा दिया था, तीसरा करेंगे। जांच कीजिए कि क्या तीसरा है। जांच कीजिए कि क्या प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या था कि 39.7 का गुणज है, गुणज है या नहीं, सात के पहाड़े में ये संख्या आएगी या नहीं। तो सात का पहाड़ा ही लिख के देख लेना। देखते हैं, 7 × 7, 7 × 2 = 14, 7 × 21, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42। तो हमसे ये पूछा है कि ये गुणज है या नहीं। गुणज वो होता है जो कि इस संख्या में वो संख्या आती है उस पहाड़े में, उसे 1, 2, 3, 4, 5 से गुणा करने पर हमें ये संख्या प्राप्त हो जाए। लेकिन 35 के बाद 42 आ गया, मतलब ये नहीं आता, तो ये गुणज नहीं है। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरी संख्या हमें कौन सी दी हुई है, दूसरा 31, 8 का गुणज है या नहीं। फिर हमें देखना है कि 8 के पहाड़े में 31 आएगा या नहीं। तो 8 × 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32 ज़्यादा हुआ, तो ये क्या हुआ, नहीं है। क्योंकि 8 को कहीं किसी भी संख्या से गुणा करने पर हमें 31 नहीं मिलता, तो ये क्या है, ये उसका गुणज नहीं है। अब हमें तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है कि 50 5 का गुणज है या नहीं है। ठीक है, अब ये तो देख के पता चल जाएगा कि 5 का गुणज तो होगा ही, 5 के पहाड़े में 50 तो आता ही, कितने पर आएगा, 10 पर। तो ठीक है, ये है हमारा, ये नहीं है। 5 के पहाड़े में 10 पर 5 आएगा ही। आगे वाली संख्या हम करेंगे, एक सवाल और करके देख लेते हैं। 4, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे से आएंगे। तो ये कह रहा है कि 42 × 6 का गुणज है या नहीं। अब 6 के पहाड़े में 42 आता है या नहीं। 6 × 6 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 6 × 6 = 24, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, 6 × 7 = कितना हुआ, 42। 6 को गुना किया 7 से तो 42, तो हाँ ये भी है, तो ये भी हमारा हो जाएगा 42 उसका गुणज। समझ में आ गया, एक और करवा देती हूँ। ठीक है, अब करते हैं नंबर 5। इसमें क्या पूछा है कि 40 × 10, ये क्या इसका गुणज है, क्या 40 × 10 का गुणज है, तो ये भी होगा ही। 10 का पहाड़ा पड़ेंगे कहाँ तक, 4 तक, तो आ जाएगा कितना, 40। 10 × किया ये हुआ 40, तो ये इसका गुणज है, तो ये हमारा हो गया एक सवाल। अब अगला करते हैं, बाकी आपको PDF मिल जाएगा। अब हम दूसरा शुरू करते हैं, अगला प्रश्न नंबर 4। 3 हो चुके हैं, 4 करेंगे। तो उसमें क्या है, निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं सम हैं। नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सम हैं। सम संख्याएं हमें लिखनी है, संख्याएं हमें दी हुई है, संख्या है 16, 12, 10, 35, 49,
45, 76 और कितनी है 59। ठीक है, अब सम संख्याएं कौन सी होती है जो कि दो के पहाड़े से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो क्या होती है? सम संख्याएं होती है। तो पहले तो आप यही देख लो कि इसमें से दो के पहाड़े में 9 नहीं आता तो ये कट जाएगी, फिर दो के पहाड़े में 5 भी नहीं आएगा तो ये भी कट जाएगी, फिर दो के पहाड़े में 9 नहीं आता ये भी कट जाएगी, दो के पहाड़े में क्या है 5 भी नहीं आता तो ये कट जाएगी। सबसे सिंपल ट्रिक तो यही है, बाकी सब क्या है सम संख्याएं हैं। करके बता देती हूँ एक बार, जैसे ये 16 है, 16 को काटो कितने पर आएगा, दो के पहाड़े में 16 तो आता ही है, पहाड़ा लिख लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 2 20। तो ये देखो 16 ये रहा है दो के पहाड़े में, 12 ये रहा है दो के पहाड़े में, 10 ये 10 भी है। अब कौन सी बताई मैंने 76, आप कहोगे कि 76 तो है नहीं, तो कैसे करेंगे ये देखो, 6 2 3 6 1 ऊपर से उतारा 6 16 है, 16 8 ये हुआ पूर्णतः विभाजित दो के पहाड़े से, तो ये हुआ। ठीक है, ये हमारा हुआ सवाल। अब हम करते हैं आगे वाला नंबर 5। नंबर 5 करेंगे अब, दो सवाल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। करते हैं आगे वाला प्रश्न, क्या दिया हुआ है कि 6 के 15 से बड़े किंतु 70 से छोटे गुणज लिखने हैं। नंबर 5, 6 के 15 से बड़े किंतु 70 से छोटे, छोटे क्या लिखने हैं हमें, छोटे गुणज लिखिए। कितने बताए हैं, 6 के 6 मतलब 6 के पहाड़े में 15 से बड़े किंतु छोटे। तो पहले तो हम क्या करेंगे, 6 का पहाड़ा ही लिख लो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चुक 24, 6 5 30, 6 कुमी 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 2 60। तो 6 के पहाड़े 15 से बड़ा मतलब 18, तो 18 से शुरू कर देंगे, 18 24 30 36 42 48 54 60। ठीक है, आगे आ जाएगा इसमें फिर 6 ऐड कर देंगे, 66। तो 70 से छोटे लिखने थे, अब इसमें फिर से हम 6 ऐड करेंगे तो संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो हमें कहाँ तक लिखना है, 60 कितना पूछा इन्होंने, 70 तक पूछा है, तो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, इसमें फिर 6 ऐड करोगे तो संख्या ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा हुआ गुणज।